हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे एसएमपीएस की। तो दोस्तों, एसएमपीएस एक्चुअल में होता क्या है? एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। तो मैं आपको बता देता हूँ जी भैया, एसएमपीएस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चलाते हैं तो यार उसको हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ती है। तो कंप्यूटर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो डायरेक्ट हम देते हैं एसएमपीएस के अंदर। हम इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाते हैं एसएमपीएस में। एसएमपीएस को हम दूसरी भाषा में पावर सप्लाई भी बोलते हैं। और फिर एसएमपीएस क्या करता है, उसी पावर सप्लाई को जो हम देते हैं वो होती है एसी, जो हमारे घरों में आती है वो एसी करंट होता है। और एसएमपीएस क्या करता है, उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके फिर मदरबोर्ड को देता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी भाई, इसकी जो शक्ल होती है वो कैसी होती है। देखो, ये हमारा एसएमपीएस होता है और हम अपने कंप्यूटर की जो पावर केबल है, इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर है, वो इसमें लगाते हैं। फिर ये एसएमपीएस अंदर से इस टाइप का होता है। फिर ये हमारी एसी को जो है वो डीसी में कन्वर्ट करके, और ये जो अलग अलग कलरफुल वायर आपको दिख रही है, इनके थ्रू जो है ये मदरबोर्ड में करंट देता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, जो हमारा एसएमपीएस है, वो हमारा जो है एक मेन डिवाइस है यार, जो कि कंप्यूटर चलाने में जो है ना वो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है एसएमपीएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कलर की जो वायर है वो आपको दिखाई देंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी, यहाँ पर जो है ना बहुत सारी अलग अलग कलर की वायर हैं इसमें। जैसे आपकी ग्रीन वायर भी है, आपकी येलो वायर भी है, आपकी रेड वायर भी है, आपकी ऑरेंज वायर भी है, आपकी वाइट वायर भी है। देखो यहाँ पर आपको और भी साफ दिख रही होंगी, और देखो यहां पर भी आपको और साफ जो है ना वो वायर दिख रही होंगी। तो दोस्तों, इसको एसएमपीएस क्यों कहा जाता है? इसको एसएमपीएस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसएमपीएस क्या करता है कि जब इसके अंदर एसी जाती है तो डीसी में जब इसको कन्वर्ट करता है तो इसके अंदर जो वायर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया रेड कलर की वायर है, येलो कलर की वायर है, तो ये सभी वायर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज को बाहर निकालता है। तो यहां पर दोस्तों हमने लिखा हुआ है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जैसे कि रेड कलर की जो वायर होती है दोस्तों, उसमें +5 वोल्ट आते हैं जिनकी वैल्यू 4.75 वोल्ट से लेकर 5.25 वोल्ट के बीच में हो सकती है। क्योंकि वोल्टेज ऐसा नहीं है जी भाई आपका फिक्स हमेशा 5.5 वोल्ट ही आएगा, ये घटता बढ़ता रहता है। तो इसकी वैल्यू -2.5% से लेकर +0.25% तक जा सकती है। तो रेड वायर जो ना दोस्तों बहुत सारी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, इसी तरीके से वाइट वायर जो है दोस्तों वो एक ही होती है और उसके अंदर -5 वोल्ट आता है और एवरेज जो बोल्ट है दोस्तों वो इतने चलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों येलो कलर की भी बहुत सारी वायर होती है, हर एक येलो कलर +12 वोल्ट लेके जो है ना मदरबोर्ड को सप्लाई देती है। ब्लू वायर जो है दोस्तों -12 वोल्ट लेके देती है सप्लाई, और ऑरेंज वायर में दोस्तों +3.3 वोल्ट होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जितनी भी ब्लैक कलर की वायर होती हैं वो सब जो है ना 0 वोल्ट मदरबोर्ड को देती हैं, बल्कि एक तरीके से वो ग्राउंड कहलाती हैं, अर्थिंग कहलाती हैं। तो यहां पर जो है दोस्तों मैं आपको नीचे दिखा भी सकता हूं जी, आप देख सकते हैं जी यहां पर जो है ये अलग अलग कलर की वायर आपको दिख रही होंगी। अब इसी तरीके से दोस्तों जब हम इसे मदरबोर्ड में लगाते हैं तो यहां पर हमारे पास जो है इनके कुछ पावर कनेक्टर होते हैं। जैसे कि एक कनेक्टर होता है हमारे पास यहां पर ATX20 एंड 24 पिन मोलेक्स मेन पावर कनेक्टर। तो दोस्तों इसके अंदर 20 पिन में होती हैं और साथ में 4 पिन एक्स्ट्रा होती हैं जिनको आप कभी भी हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, बड़े ईजी फॉर्मेट में ये दिया हुआ होता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले के जो मदरबोर्ड्स थे उसमें जो है ना वो 20 पिन ही होती थी, तो आजकल ये जो पावर सप्लाई आ रही है वो 20 पिन प्लस 4 पिन अलग से देती हैं, वो उसके अंदर सेट होके लग जाती हैं। तो आजकल के जो मदरबोर्ड हैं उनके अंदर वो जो है आपकी 24 पिन ही लगती हैं। तो ये पावर सप्लाई इस तरीके से आती है कि आप पुराने मदरबोर्ड में भी यूज कर सकते हैं और नए मदरबोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी ये ATX20 एंड 24 पिन मोलेक्स कनेक्टर जो है वो दिखता कैसा है? तो दोस्तों ये जो है ना आपका इस तरीके का होता है, ये ATX24 पिन मोलेक्स कनेक्टर। देखो ये 20 पिन है और यहाँ पर ये 4 पिन अलग से होती हैं, तो यहाँ पर बड़े इजी फॉर्मेट में जो है वो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और इसे जो है वो मदरबोर्ड में हम दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं, ये पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 24 पिन है पूरे मदरबोर्ड को हमारा यहाँ से सप्लाई देती हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो कनेक्टर है वो हमारे पास होता है 4 पिन मोलेक्स पेरिफेरल कनेक्टर। कौन सा होता है दोस्तों? 4 पिन मोलेक्स पेरिफेरल कनेक्टर। तो दोस्तों ये जो हमारा जो मोलेक्स कनेक्टर होता है, ये हमारा जो है वो ये वाला कनेक्टर होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको हार्ड डिस्क वाला चैप्टर पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था पाटा हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये जो है वो पाटा हार्ड डिस्क के अंदर, पाटा सीडी रोम डीवीडी रोम के अंदर जो है वो यूज होता था, लेकिन आज के डेट में इसका कोई भी यूज नहीं है।
ठीक है। तो आज के डेट में जो है दोस्तों ये मोलेक्स कनेक्टर का है, इसका कोई भी यूज नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ATX 4 पिन मोलेक्स 12 वोल्ट P4 कनेक्टर, बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है ATX, ठीक है। तो दोस्तों जो आप देखे हैं जहां पर भी ATX लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। किस में कनेक्ट होते हैं? मदरबोर्ड में। तो दोस्तों ये भी एक 4 पिन का जो है ना कनेक्टर होता है, जो कि डायरेक्ट मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। तो आप देखें वो जो ना ये वाला होता है, ये वाला आप देखें, इसमें 4 पिन अलग से होती हैं और ये ब्लैक या व्हाइट कलर में, आपका किसी भी कलर में हो सकता है, आप इसकी पहचान कर लें। इसमें इस टाइप से 4 पिन होती हैं और दोस्तों ये जो है ना हमेशा प्रोसेसर के पास में लगता है इस तरीके से। तो ये दोस्तों जो है ना वो प्रोसेसर को पावर देने का काम करता है, और ये जो आपका 24 पिन वाला है ये पूरे मदरबोर्ड को देता है लेकिन प्रोसेसर को पावर नहीं देता। तो ये जो 4 पिन वाला कनेक्टर है ये हमारे मदरबोर्ड को, हमारे जो है ना प्रोसेसर को पावर देता है, CPU को पावर देता है। अगर आप ये वाला 24 पिन वाला लगा देंगे और ये 4 पिन वाला नहीं लगाएंगे तो आपका जो प्रोसेसर है वो ऑन नहीं होगा, वर्किंग में नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो दोस्तों यहां पर लास्ट कनेक्टर है वो है हमारा साटा पावर कनेक्टर। जैसे कि हमने आपको बताया जी, आजकल जो पॉपुलर है वो साटा हार्ड डिस्क पॉपुलर है और साटा टाइप की जो है वो आपकी SSD भी पॉपुलर है। तो दोस्तों साटा पावर कनेक्टर जो है वो आपका ये वाला होता है साटा पावर कनेक्टर, और ये आपके साटा हार्ड डिस्क और साटा टाइप SSD के अंदर इस तरीके से देखो यहां पर ये लगाया जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारी हार्ड डिस्क यहां पर लगाई है, इन्होंने साटा पावर कनेक्टर लगा दिया है और ऊपर से इन्होंने साटा वायर लगा के हार्ड डिस्क अंदर और यहां मदरबोर्ड से जो है वो कनेक्ट कर दी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम अपने SMPS का जो है वो यूज करते हैं, SMPS के कनेक्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल गया जी भाई SMPS के जो है वो कौन कौन से मेन कनेक्टर होते हैं। ये दो ही मेन कनेक्टर होते हैं दोस्तों जो कि आपके मदरबोर्ड के अंदर अटैच होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो कलर्स हैं दोस्तों इन्हें आप एक बार याद कर सकते हैं जी, कौन कौन से कलर में कितने कितने वोल्टेज होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।